बताया जा रहा है कि पॉलिटिकल मर्डर है, मायावती भी आज चेन्नई गई हैं उनको विजिट करने। देखिए जाहिर है कि मायावती जी की पार्टी के एक महत्वपूर्ण पिलर थे वो, ये इस तरह की हत्याएं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन आज एक अंग्रेजी डेली की जो खबर है उसमें तहकीकात कुछ अलग दिशा में जा रही, तो हमें पूरी तहकीकात का भी इंतजार करना चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल मर्डर अगर ये है तो मुझे पूरा विश्वास है कि वहां की गवर्नमेंट इंसाफ करेगी और अनुसंधान को परिणति तक जल्द से जल्द पहुंचाएगी। पार्लियामेंट सेशन शुरू है, यूनियन बजट प्रेजेंट किया जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए यूनियन बजट को लेकर के तो मैं क्या कहूं, संदेश भी मैंडेट का साफ है और मैं लगातार जब कभी बजट सत्र होता है तो मैं जो भी फाइनेंस मिनिस्टर हूं उनसे कहता हूं कि एक बार आर्टिकल 39 को देख लीजिए, उसके अंदर क्लॉज बी सी में जो व्यवस्थाएं हैं, हमारा बजट इसका नाम है आम बजट, वो आम लोगों के सरोकारों से दूर नहीं होना चाहिए। अगर प्रगति का लेखा जोखा हो, विकास का लेखा जोखा हो, तो वो जॉबलेस ना हो, वो फेसलेस ना हो, ये हमारी इच्छा रही है और उम्मीद है कि इस मैंडेट के मद्देनजर जिसमें लोगों ने संदेश दिया है, निर्मला जी और पूरी की पूरी टीम पीएम की इस पर काम करेगी। अब वो तो पहले भी जा चुके हैं और नहीं वो मैंने कहा वो तीसरी बार जा रहे हैं और हम कई पार्लियामेंटेरियन कई बार जा चुके हैं, जिसको जाना चाहिए वो नहीं जा रहा, वो कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। जब आप कहते हो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, क्या मणिपुर इस पैराडाइम का इस प्रतिमान का हिस्सा नहीं है? मतलब प्रधानमंत्री जी दुनिया देख रही है, देश तो देख ही रहा है, वहां के लोगों को हीलिंग टच चाहिए। अपोजिशन के लीडर्स जाकर के मलहम लगा सकते हैं लेकिन जो एक प्रशासनिक हीलिंग टच चाहिए वो आपसे संभव है और आप जा ही नहीं रहे, ये अच्छा नहीं लग रहा। सर बस आतम मुरम का कहना है कि सेंटर ने नए तीन क्रिमिनल लॉज को लाने के लिए लॉ कमीशन को बाईपास किया है। ये सत्य है, ये सत्य है और आपको ये स्मरण रखना होगा कि ये तीन कानून तब पास हुए जब 150 सांसद निलंबित हो चुके थे। संसद बहस के लिए, संवाद के लिए, आलोचना के लिए कानून बेहतर होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि अगर लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी सही हो तो कानून बेहतर बनता है, आपने वो कोशिश ही नहीं की। माय वे और हाईवे मैंडेट में अब है वो संदेश, वापस लाइए इन कानूनों को, विशद चर्चा करिए, तब फिर पब्लिक डोमेन में लाइए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।